जयपुर के प्रसिद्ध गुलाबी बलुआ पत्थर के वास्तुशिल्प चमत्कार हवा महल में आपका स्वागत है। जैसे ही दिन निकलता है, जयपुर में हवा महल का राज चिन्ह प्रकाश में आ जाता है। हवादार खिड़कियों पर हजारों कबूतरों के झुंड के साथ एक भव्य संरचना की चमक दिखाई देती है, जो गुलाबी शहर में बड़ी चौपड़ की सड़कों पर दिखाई देती है। हवा महल ने दशकों से दुनिया भर के कई यात्रियों का ध्यान आकर्षित किया है। जटिल नक्काशी और नाजुक वास्तुकला के साथ यह अभी भी अतीत की सबसे खूबसूरत उत्कृष्ट कृतियों में से एक बनी हुई है। हाथ से पत्थर दर पत्थर तराशा गया, यह एक ऐसा आकर्षण प्रदर्शित करता है जो आज की दुनिया में देखी गई किसी भी अन्य संरचना से अतुलनीय है। हम वास्तुकला की प्रशंसा करने से लेकर इसके पैटर्न का अध्ययन करने तक ही सीमित रह गए हैं। केवल इसकी शानदार वास्तुकला के कारण जो एक बीते हुए युग का दावा करता है। अपनी असंख्य छत्ते के आकार की खिड़कियों के लिए जाना जाने वाला हवा महल हमेशा से एक ऐसा स्मारक रहा है जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का ध्यान समान रूप से आकर्षित किया है। तो हवा महल इतना खास क्यों है? तो आइए देखते हैं। इतिहास। 1799 में निर्मित हवा महल या द पैलेस ऑन विंड्स की बाहरी दीवारों पर 953 जटिल डिजाइन वाली खिड़कियां स्थित हैं। इन खिड़कियों को झरोखा भी कहा जाता है। भव्य लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर की खिड़कियां महल के माध्यम से हवा के मुक्त प्रवाह की अनुमति देने के लिए बिल्कुल सही आकार की हैं, जिससे गर्मियां अधिक सुखद लगती हैं। कछवाहा राजपूत शासक सवाई प्रताप सिंह महाराजा सवाई जय के पोते ने अपने वास्तुकार लालचंद उस्ताद को रॉयल सिटी पैलेस के लिए एक बिल्कुल संरेखित विस्तार का निर्माण करने का आदेश दिया। महामहिम की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए इस भव्य महिला महल का निर्माण पर्दा प्रथा की राजपूत परंपराओं का कड़ाई से पालन करते हुए किया गया था। यह महल जयपुर के सिटी पैलेस के किनारे पर स्थित है और जनाना या महिलाओं के कक्षों तक फैला हुआ है। राजपूत कानून के अनुसार शाही महिलाओं को अजनबियों द्वारा नहीं देखा जा सकता था और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई देने की अनुमति नहीं थी। इस महल की मदद से महिलाएं दूर से ही बिना नजर आए शाही जुलूसों में आसानी से शामिल हो सकती थीं। उल्लेखनीय है कि महिलाएं अजनबियों के संपर्क में आए बिना अपने आसपास होने वाली सभी घटनाओं का अवलोकन कर सकती थीं। वास्तुकला, वास्तुशिल्प चमत्कार आज तक वेंचुरी प्रभाव से प्रेरित अपनी अनूठी ठंडी हवा प्रणाली के लिए दुनिया भर के कई इतिहासकारों और वास्तुकारों द्वारा प्रतिष्ठित है। प्रत्येक कक्ष के केंद्र में स्थित फव्वारों द्वारा शीतलन प्रभाव को और बढ़ाया जाता है। ये राजस्थान की चिलचिलाती गर्मियों में गर्मी से राहत पाने के लिए एक आदर्श स्थान है। ये 5 मंजिला पिरामिड आकार का स्मारक लगभग 50 फीट ऊंचा है। इस 5 मंजिला इमारत में पहली मंजिल शरद मंदिर, दूसरी मंजिल रत्न मंदिर, तीसरी मंजिल विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर और 5वीं हवा मंदिर कहलाती है। हवा महल में आनंद पोल और चांद पोल नाम से 2 दरवाजे हैं। ये राजपूत शैली की वास्तुकला और इस्लामी मुगलई वास्तुकला का सबसे अच्छा संयोजन है। हवा महल का आकार मुकुट जैसा है। यदि आप इसे दूर से देखेंगे तो आप भगवान कृष्ण के सिर पर रखे मुकुट की कल्पना कर सकते हैं। आप राजपूत शैली की वास्तुकला को इसके विभिन्न मेहराबदार शामियाना, पुष्प पैटर्न, अंडाकार स्तंभों और कमल के माध्यम से जीवंत होते हुए देख सकते हैं, जबकि इस्लामी शैली को आम तौर पर उनके नाजुक जाली जड़ाई कार्य और मेहराबों के माध्यम से देखा जा सकता है, जो कि फतेहपुर सीकरी में पंच महल के समान है।
महल वास्तव में एक विशाल परिसर का एक विस्तारित हिस्सा है, जो छोटे छोटे खंभों, धनुषाकार छतों और पत्थर की नक्काशीदार स्क्रीनों से परिपूर्ण है। महल की ऊपरी मंजिलें रैंप से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें विशेष रूप से शाही महिलाओं की पालकी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। यद्यपि स्थापत्य शैली और शिल्प कौशल देखने लायक है, महल के अंदरूनी हिस्से इसके बाहरी हिस्से की तुलना में बहुत सरल हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस महल से जयपुर शहर का सबसे अच्छा दृश्य दिखाई देता है। जयपुर में हवा महल की विशिष्टता साल भर लाखों पर्यटकों को 18वीं शताब्दी की सबसे उत्कृष्ट संरचनाओं में से एक को देखकर आश्चर्यचकित होने और प्रसन्न होने के लिए आकर्षित करती है। हवा महल में प्रांगण के मध्य में स्थित एक पुरातात्विक संग्रहालय भी है। यह जयपुर की विभिन्न कलाकृतियों को सावधानी पूर्वक संरक्षित करता है। संग्रहालय के चारों ओर घूमकर आप निश्चिंत होकर रॉयल्स के जीवन से परिचित हो सकते हैं। दूसरी मंजिल पर स्थित रतन महल में विभिन्न रंगों की नाजुक कांच की खिड़कियां हैं। इन भव्य खिड़कियों से गुजरने वाली रोशनी पूरे कक्ष को झिलमिलाते झूमर की तरह रोशन कर देती है। यह कारीगरी का एक पूर्ण नमूना है। कुछ झरोखे लकड़ी से बने हुए हैं, जो उन सभी वास्तुकला प्रेमियों के लिए हस्तनिर्मित कलात्मकता की जटिलता का अध्ययन करने के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनाते हैं। शीर्ष दो मंजिलों पर रैंप से यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई सीढ़ी नहीं है। हवा महल को इसका नाम संरचना की पांचवी मंजिल से मिला, जिसे हवा मंदिर भी कहा जाता है। उम्मीद है कि हवा महल पर बनी यह वीडियो डॉक्यूमेंट्री आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।